ओम नमः शिवाय। ज्योतिष सागर में आप सबका स्वागत है। आज ये वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ राहु और केतु के गोचर के बारे में। ये तो हम सभी जानते हैं कि राहु और केतु का गोचर हमारी कुंडली में बहुत से इवेंट्स को ट्रिगर करता है। राहु और केतु एक राशि में करीबन 18 महीने तक रहते हैं। 30 अक्टूबर 2023 को राहु जा रहे हैं मीन राशि में और केतु जा रहे हैं कन्या राशि में। इस वीडियो में हम राहु के ऊपर डिस्कशन करेंगे। राहु जा रहे हैं मीन राशि में और मीन राशि हम जानते हैं कि एक जल तत्व राशि है। राहु एक वायु प्रधान छाया ग्रह माने जाते हैं। राहु एक्सपेंशन को दर्शाते हैं। जहां पर भी राहु हमारी कुंडली में आते हैं, चाहे ट्रांजिट में या जहां पर वो आपकी जन्म कुंडली में स्थित हैं, वो भाव हमें दिखाता है कि आपका इंटरेस्ट किन चीजों के प्रति रहेगा। यानी अगर राहु किसी के लग्न पे बैठे हैं तो वो व्यक्ति अपने बारे में बहुत सी चीजें प्लान करता है, लोगों के सामने उजागर होना चाहता है, बहुत ज्यादा फेमस होना चाहता है। यदि ये राहु किसी के तीसरे भाव में है तो राहु बहुत ज्यादा पराक्रम को बढ़ा देते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल को भी एक्सपैंड कर देते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आपको बहुत सलाह दिलवा सकते हैं। राहु का गोचर हमेशा ही हमारे जीवन में कुछ बड़े बदलाव लेकर आता है, इसलिए राहु का गोचर हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। जब भी हम किसी ग्रह के बारे में बात करते हैं तो हमें एक ओपन माइंडसेट रखना चाहिए। ना तो कोई ग्रह बुरा है और ना ही अच्छा है, बस उनके व्यवहार के ऊपर उन्हें मैलेफिक या बेनिफिक प्लैनेट बोला जाता है। अब यदि हम कहें कि करेला कड़वा है तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें अच्छा या बुरा जैसी कोई चीज नहीं है। उसी प्रकार से प्रवृत्ति है, हर ग्रह की प्रवृत्ति होती है। कुछ ग्रह सौम्य हैं तो कुछ ग्रह क्रूर है और कुछ ग्रह पापी हैं, क्योंकि ये ग्रह हमारे मनस्थिति को इफेक्ट करते हैं। ये ग्रह हमारे सामने आके नहीं बैठ जाते, ये हमारे को मेंटल सोच देते हैं जिसके मुताबिक हम अलग अलग कार्य करते हैं। इसीलिए कभी भी हमें किसी भी ग्रह को दोषी नहीं ठहराना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए। हमें एक ओपन माइंडसेट रखना है कि ये घटनाएं इस समय पे हो सकती हैं, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। इसीलिए आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो राहु की डिस्कशन करेंगे। मोस्टली लोगों में यही भ्रांति है कि राहु एक पाप ग्रह है और बहुत सारी उलझने लेके आती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर ग्रह की एक एनर्जी है और राहु की भी अपनी एक एनर्जी है जो कि हमारे जीवन यापन के लिए जरूरी है। हर चीज इस प्रकृति में जरूरी है, कोई भी चीज का हम ये नहीं कह सकते कि ये जरूरी नहीं है और ये गैर जरूरी है, ऐसा नहीं बोला जा सकता। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए सीधा हम आते हैं मुद्दे पर, जो कि डिस्कशन है हमारी राहु के गोचर की अलग अलग लग्नों के लिए किस तरह से रहेंगे। आप इस वीडियो को अपनी जन्म राशि यानी कि चंद्र राशि से भी देख सकते हैं और लग्न से भी देख सकते हैं। और बहुत से लोगों में ये कंफ्यूजन रहती है कि लग्न से देखें या चंद्र राशि से देखें, तो देखिए चंद्र राशि हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाती है जो हम अंदर से फील करते हैं, और लग्न हमारा जो हमारी फिजिकल बॉडी है जो असर हम पे आ रहे हैं वो दर्शाता है। तो यदि तो आपका लग्न और चंद्र राशि सेम है तब तो बहुत आसान है, लेकिन यदि आपकी चंद्र राशि अलग है और लग्न अलग है तो फिर आपको दोनों को मिक्स करके उनके रिजल्ट्स देखने होंगे। तो आइए शुरू करते हैं राहु का गोचर 2023 में कैसा रहेगा सभी लग्नों के लिए।
तो आइए शुरू करते हैं मेष लग्न से। राहु का ये गोचर मेष लग्न वालों के लिए 12वें भाव में होने जा रहा है। 12वां भाव एक्सपेंसेस, फॉरेन लैंड, इन्वेस्टमेंट्स, हमारी बेड प्लेजर्स, स्लीप, ड्रीम्स और सबकॉन्शियस माइंड को दर्शाता है। राहु अभी तक मेष लग्न वालों के लिए प्रथम भाव में थे। बहुत सी चीजें उनके जीवन में हुई इन पिछले 18 महीनों में, जो कि पॉजिटिव भी रही होंगी और नेगेटिव भी, डिपेंडिंग कि आपने उस एनर्जी को किस तरीके से इस्तेमाल किया। तो जब अब राहु आपके 12वें भाव में आ रहे हैं, जैसा कि हमने कहा कि राहु का नेचर है एक्सपेंशन, जहां भी वो जाते हैं उस चीज को एक्सपैंड करते हैं। तो यदि ये हमारे खर्चों का भाव है तो हमारे खर्चे बढ़ सकते हैं। यदि ये बेड प्लेजर्स का भाव है तो उसमें भी अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं। सीक्रेट एनिमीज का भी भाव है 12वां भाव, यानी वो दुश्मन जो आपके सामने होते हुए भी सामने नहीं है, इसलिए इस समय पर आपको लोगों के प्रति सजग रहना होगा। यानी कि जो लोग आपको अपना दोस्त बोल रहे हैं, हो सकता है कि उनकी इंटेंशंस कुछ और हो। और इस समय पे ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जिनके मन में कुछ और है और वो आपको दिखा कुछ और रहे हैं, तो अपनी जजमेंट को आपको इधर करेक्ट करना है। जजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी राहु केतु कहीं पर भी गोचर कर रहे होते हैं, क्योंकि जजमेंट में कंफ्यूजन आती है। तो इसलिए यदि हम मेष लग्न की बात करें तो मेष लग्न वालों के लिए हो सकता है फॉरेन लैंड जाने के नई अपॉर्चुनिटीज बने, आपकी इन्वेस्टमेंट्स में कुछ बदलाव हो सकता है कि आप अचानक से सोचें कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है, उसमें इन्वेस्ट करना है, और रैश डिसीजंस भी आप ले सकते हैं इस समय पे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा संभल के इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान देना है, लेकिन फॉरेन लैंड जाने के लिए ये एक बहुत अच्छा समय है। थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा आपको और अपने स्पाउस की सेहत का भी। और राहु जब भी 12वें भाव में आता है तो आपको कई बार बहुत अजीब अजीब से सपने भी आ सकते हैं। और जो लोग इस समय मेडिटेशन में हैं या स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, उनके लिए थोड़ी भ्रम की स्थिति बन सकती है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर वो अपने पथ को छोड़े नहीं और उसको फॉलो करते रहे सूझबूझ से, तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी इस समय पे अच्छी मिलती है। बस एक्सपेंसेस का आपको ध्यान रखना है, यहां पे एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। राहु जहां भी जाते हैं वहां पे चीजों का बहुत बहुत बढ़ोतरी कर देते हैं, इसलिए एक्सपेंसेस हो गए या स्लीप डिसऑर्डर्स हो गए, अजीब से सपने आना, ये सब चीजों पर आपको थोड़ी सी पकड़ रखनी होगी। बाकी ये जो गोचर है ये मेष लग्न वालों के लिए एक रिलैक्सिंग गोचर होगा, क्योंकि अभी तक वो आपके लग्न पे थे तो थोड़ा सा धुंधलापन था आपके डिसीजंस में। राहु स्मोक भी दर्शाता है, स्मोक मतलब धुआं, तो आप क्लैरिटी से नहीं सोच पाते हैं। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि क्योंकि राहु इस समय गुरु की राशि में है, तो गुरु जहां पर गोचर कर रहे हैं वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। और साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि राहु अगर मीन राशि पे आ रहे हैं तो आपकी खुद के जन्म कुंडली पे मीन राशि पे कौन सा ग्रह बैठा है। यदि मीन राशि में ऑलरेडी कोई ग्रह बैठा है आपकी जन्म पत्रिका में, तो उसमें भी रिजल्ट्स में चेंजेस आएंगे। उन वो जो प्लैनेट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका शुक्र बैठा है किसी मेष लग्न के जातक के लिए, यदि आपका शुक्र ऑलरेडी मीन राशि का बैठा है और इस समय राहु आके वहां पे गोचर करेंगे, तो शुक्र के कारकत्वों को बढ़ा देंगे, एक्सपैंड कर देंगे, या फिर उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन्स ले आएंगे। तो इसलिए ये भी आपको जरूर चेक करना है कि आपके जन्म पत्रिका में ऑलरेडी वहां पर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मेष लग्न के जातकों के लिए ये 12वें घर का राहु फॉरेन लैंड में अपॉर्चुनिटीज के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी का ऑप्शन है, लेकिन सेहत का और खर्चों का आपको ध्यान रखना होगा।